हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, डस्ट की स्किन के लिए बहुत से कमेंट आते रहते हैं। स्पेशली डस्ट की स्किन पे चैलेंजेबल होता है कि हम कौन सा फेशियल करें जिससे कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी नेचर सेंस का डायमंड फेशियल। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फेशियल है। आप चाहे इसको अपनी ब्राइडल पर दे सकते हैं या सेल्फ पर ले सकते हैं या किसी भी अपने क्लाइंट पर दे सकते हैं जिनकी डस्ट की स्किन हो। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले आप ब्लीच कर सकते हैं, डायमंड ब्लीच आप कर सकते हैं अगर आप ब्लीच करवाते हैं तो। अदरवाइज जो लोग ब्लीच नहीं करवाते तो आप डायरेक्ट उनके भी ये वाला फेशियल दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्रिंट रेट है वो है 850, यानी कि 850 रुपये इसका MRP है। 850 रुपये इसका MRP है। और इसमें टोटल जो है पैक आ जाते हैं छः पैक आ जाते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप इसकी पैकिंग है। और पहले मैं ना छोटे छोटे पैक लेती थी फेशियल के किट्स वगैरह में, बहुत छोटी छोटी लेती थी पहले। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको होता है ना कि एकदम आइडिया नहीं रहता कि कौन सा फेशियल ज़्यादा अच्छा चलेगा या किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो जब आपको अच्छे से पूरा आइडिया हो जाए कि आपके पार्लर में कौन सा फेशियल चल रहा है तो आप उसका बड़ा पैक लें, क्योंकि बड़े पैक में हमेशा बड़े पैक में फ़ायदा होता है। छोटी छोटी जो किटें होती हैं उनमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्टेप्स हैं। तो नंबर वन स्टेप इसका यहाँ पर है डायमंड फेस क्लींजर फर्स्ट पे है। तो ये क्लींजर है और मैं अभी आपको, ठीक है, तो इस तरीके का ये है। देखिए जेल फॉर्म में ये क्लींजर है, जेल फॉर्म में ये क्लींजर है। और ये फेशियल इतना अच्छा है कि आप अपनी ब्राइड के इसको 100% एक बार देके देखिए, बहुत अच्छा है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि डस्ट की स्किन, सांवली स्किन के लिए डायमंड फेशियल बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए, नोट करिए आप, हमारी जो स्किन डस्ट की होती है, डार्कर टोन होती है, तो हमें उसको वाइटनिंग की तरफ ले जाना होता है। ठीक है, तो वाइटनिंग की तरफ उसको ले जाएंगे तभी तो उसमें ग्लो आएगा। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि डस्ट की स्किन पे गोल्ड फेशियल दे देते हैं। तो गोल्ड फेशियल आपको येलोनेस देगा, कुछ दिन में काला पड़ जाएगा। तो अवॉइड करिए आप गोल्ड फेशियल को, स्पेशली डस्ट की स्किन पे। सेकंड स्टेप यहाँ पर मिल जाता है आपको डायमंड स्क्रब पाउडर। तो जो इसका स्क्रब है ये पाउडर फॉर्म में है, और पाउडर फॉर्म में जो स्क्रब होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देख सकते हैं किस तरीके का ये स्क्रब है। तो ठीक है, तो इसमें ये डायमंड पार्टिकल्स हैं, इनको आप पहले एक बाउल में अच्छे से इसको इसका एक पेस्ट बनाएं और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। तो आपको 5 से 6 मिनट मसाज करनी है। तो टाइमिंग होती है फेशियल करने के टाइमिंग में हमेशा डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, क्योंकि ये जो इसकी रेसिपी रहती है, इसकी जो थ्योरी रहती है कि 2 से 5 मिनट करें या 5 से 6 मिनट करें, वो कभी काम नहीं आती बिल्कुल भी। ठीक है, आपको अपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के करना होता है। तो आप देख सकते हैं फेशियल करते टाइम पे आप अपने क्लाइंट की स्किन देखें, फेस देखें कि उसके फेस में रिजल्ट कैसा जा रहा है। अगर सपोज़ किसी स्टेप में लिखा है 3 से 4 मिनट मसाज करनी है, ठीक है, और 3 से 4 मिनट में आपका रिजल्ट नहीं आता, तो आप उसको 5 से 6 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा रिजल्ट देख के ही जो है टाइमिंग को बढ़ाइए या कम कीजिए। ठीक है, तो 2 स्टेप ही हो गए। थर्ड स्टेप इसमें आ जाता है सीरम। थर्ड स्टेप आपका ये सीरम है, ये इसमें पंप दे रखा है इस तरीके से। तो इस सीरम को आपने, जब आप स्क्रबिंग कर लेंगे तो स्क्रबिंग क्लीन करके आपको ये सीरम फेस पर अप्लाई करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर यानी कि जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसको, और सीरम को आपने क्लीन मत कीजिए, सीरम के बाद जो भी स्टेप आता है आप डायरेक्ट उसको कीजिए। तो नंबर 4 यहाँ पर आता है क्रीम। क्रीम का स्टेप आता है आप नंबर 4 यहाँ पर। तो क्रीम का मैं फॉर्म दिखाती हूँ। क्रीम का फॉर्म तो क्रीम जैसे ही होगा। देखिए इस तरीके से ये क्रीम है, काफ़ी थिक है। और इस क्रीम को ना आप थोड़ा सा भी लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये लग जाती है पूरे फेस पे, और बहुत अच्छे से ये आप इसकी मसाज कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा ये फेशियल है और मुझे बहुत पसंद है। मेरे पार्लर में इस फेशियल के हमेशा 2-3 किटें अवेलेबल रहती हैं, और अब तो मैं इसकी बड़ी किट लेना पसंद करती हूँ। तो नंबर 5 यहाँ पर आ जाता है शाइन पैक। हाथ पैक इसको
पैक आपको इसमें मिल जाता है जेल फॉर्म में। ये देखिए इस तरीके का इसका पैक है, यानी कि जेल फॉर्म में पैक है। तो इस पैक की पतली पतली लेयर आप फेस पर लगाएंगे और पूरी किट के अकॉर्डिंग इसमें जेल की पैक की क्वांटिटी हल्की सी कम लगती है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये थोड़ा हल्का हल्का लगाना है, यानी कि लेयर पे डिपेंड करता है। आपको लेयर पतली लगानी है इसकी, ठीक है, वरना ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपका ये बाकी सारा सामान यही पड़ा रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सनस्क्रीन, यहाँ पे आपको नंबर 6 पे मिल जाती है पॉलिश क्रीम, तो नेचर इसेंस रेविसिंग पॉलिश क्रीम। जब आपका फेशियल कंप्लीट हो जाए, यानी कि जब आपका फेस पैक अच्छे से सूख जाए, तो उसके बाद रिमूव करने के बाद उसको आप ये पॉलिश क्रीम लगाइए। इसमें SPF है और फेशियल आप जब भी करें हमेशा सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं आप और बहुत अच्छे से इसकी मसाज 2 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, उसके बाद ही क्लाइंट को आप घर भेजिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया डायमंड फेशियल, जो कि आपके बजट के अंडर भी आ जाएगा और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये फेशियल है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। और भी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।